मैम आवाज नहीं आ रही ना कुछ आ रहा है। हेलो सर। हेलो मैम आवाज नहीं आ रही। सर सर मैम अभी आएंगे तो आवाज कहाँ से आएगी। अच्छा मैम अभी आई नहीं है क्या? नहीं बहुत टाइम लग रहा है।
गुड आफ्टरनून रॉब मैडम कैन यू हियर मी हाँ गुड आफ्टरनून सर मैं लेकिन टेक क्लास सर आई एम मेड यू को होस्ट ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन जैसा कि हम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी क्रम में आज हमारा पार्ट फोर जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं समटाइम्स जो एक चीज़ में पार्ट फोर अपलोड करने से सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि क्या होता है जैसे कि अभी कल वेबिनार ड्यू टू कुछ मेरा हेल्थ इशू की वजह से हमने पोस्टपोन कर दिया था तो जो अपलोड होगा उस पे जो लाइन लिखी होगी हेडिंग की वो कई बार लग हो सकता है बाय चांस पार्ट सिक्स हो लेकिन मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही है आपका स्क्रीन शेयर हो गया है मैम बट आपका वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही है वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है सर वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है क्या ओके बच्चे लिख रहे हैं वॉइस आ रही है दैट मीन्स क्लियर नहीं है बट आ रही है ठीक है ओके ठीक है अभी क्लियर नहीं है तो मैं अभी देखती हूँ मैं कैमरा ऑफ करके फिर पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि अगर जो भी आपका है वॉइस में क्लैरिटी रहे अगर उससे कुछ उपाय तो देखिए हमने तो मैंने आपको ही जस्ट ये बताया कि आज का जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया पार्ट फाइव है मान लीजिए यूट्यूब की हेडिंग में पार्ट सिक्स दिखाओ तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा पार्ट फाइव की मैं बात कर रही हूँ वो एडिटिंग हो जाएगी कई बार आगे पीछे टाइम लग जाता है उसमें वेबिनार आज निमी डीजीटी होस्ट कर रहा है जिसमें मिस्टर रौनक सर हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और को होस्ट मैं सोनू की यहाँ ट्रेनिंग ऑफिसर एनएसटीआई जयपुर से को होस्ट कर रही हूँ जैसा कि आज आप स्लाइड से देख पा रहे हैं पार्ट फाइव की बात की जो है वो आज मैं केवल और केवल आपसे छंबा रुमाल की बात करने वाली हूँ छंबा रुमाल की केवल आज सिर्फ एक इसीलिए रखा है क्योंकि पिछली बार कुछ मेल आई थी कि मैम आप दो तीन जो पढ़ा रहे हो हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं मोटिव्स को लेके कंफ्यूजन हो रहा है हमारे उसमें तो ठीक है हमारे लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि आपको आना चाहिए हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट ये है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ट्रेनिंग्स हैं हमारे सारे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जैसा कि अभी रौनक सर ने बताया चैट बॉक्स में आप लिखते हैं वॉइस को लेके कोई प्रॉब्लम अच्छा हो है कुछ कुछ लोगों को है ठीक है मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ शायद आपको ना हो वॉइस क्लियरिटी आए ठीक है तो हाँ मुबीना खानम गुड आफ्टरनून सो अभी आज हम केवल छंबा रुमाल की बात कर रहे हैं एक तो छंबा रुमाल छंबा रुमाल जो है वो हम कहें हिमाचल ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया हिमाचल और मैं अगर छंबा रुमाल के बारे में आपसे कहूँ छंबा रुमाल वन ऑफ द माई फेवरेट एम्ब्रॉयडरी मेरी सबसे जो फेवरेट है जितनी भी है सभी हैं भारत तो आपका चारों तरफ देखने की कलाओं से भरपूर है लेकिन उसमें भी यदि मैं छंबा रुमाल की बात करूँ तो ये मेरा सबसे प्रिय ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज सबसे पहले जैसा कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको वेबिनार के स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि हमारा जो मेन है वो आज केवल हमारा छंबा रुमाल की बात करेंगे हम राइट सो मोना ने लिखा है एक मिनट मैं छंबा रुमाल की हम बात करेंगे तो उसमें ये छंबा रुमाल की में अब देखें आपकी आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम वो देखते हैं छंबा रुमाल में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया उसके बाद में ओरिजिन कहाँ से है ये छंबा रुमाल उसके बाद में हम देखेंगे मैन्युफैक्चर किस प्रकार से बनाया जाता था छंबा रुमाल इसके आर्टिकल्स जिसमें मैन्युफैक्चर में जब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बनाया जाता था तो इसमें हम कपड़ा भी पढ़ लेंगे धागे के कलर्स भी पढ़ लेंगे मोटिव्स भी आ गए वो सभी कुछ है सर मेरे यहाँ से देखिए वॉइस का जो इशू है वो आई थिंक कि क्या किया जाए रौनक सर रौनक सर ओके
सो मैन्युफैक्चर में हमने जैसा कहा है कि आपका धागे के कलर्स वगैरह हैं, धागा कौन सा यूज होता है, उसके अलावा धागे के अलावा हम अगर बात करें आपसे तो कपड़ा कैसा कौन सा यूज होता है, मोटिव कौन सा, बेसिकली वहाँ के जो मोटिव्स हैं। अब जैसे कल हम पढ़ रहे थे, जैसे फुलकारी की जब हम बात की थी तो हम शालीमार बाग, मिर्च बाग, आपका गोभी बाग, इन सब की बात करते हैं, तो यहाँ इन मोटिव्स को भी कुछ अलग ही कहा जाएगा। और क्योंकि हम अगर सारे ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी पढ़ें तो इसमें हम एक निचोड़ ये निकाल सकते हैं कि ज्यादातर एम्ब्रॉयडरीज जो हैं वो अपने देवी देवताओं को लेके, ठीक है, और देवी देवताओं को लेके हो गया है, और आसपास की सराउंडिंग्स को लेके कुछ कथाएं जो हमारे अपने जो तो वेद और शास्त्र वगैरह में वर्णित है उन सबसे इंस्पायर होकर मोटिव्स वगैरह लिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल्स की कि कौन कौन से आर्टिकल्स है जो पहले बनते थे, उसके बाद हम बात करेंगे आज पर प्रेजेंट डे का स्टेटस, आज क्या है चंबा रुमाल, राइट। चंबा रुमाल एक्चुअली मैं आपको बताऊं, लास्ट में जो जैसा कि मेरा है फ्यू क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, और चंबा रुमाल मैं आपको बताऊं, चंबा रुमाल एक्चुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग एम्ब्रॉयडरी है। ये निडल क्राफ्ट इस तरीके का है जो ये एक मिनिएचर पेंटिंग की तरह नजर आता है, मिनिएचर पेंटिंग जिस तरीके से लगती है। और ये जो चंबा रुमाल के मोटिव्स जितने भी अगर कहे जाएंगे तो चंबा रुमाल के जो मोटिव्स हैं ये हिमाचल की जो पहाड़ी एम्ब्रॉयडरी है, कांगड़ा वगैरह के आसपास की जो है, ये पहाड़ी एम्ब्रॉयडरी से इंस्पायर्ड मोटिव्स हैं इनके सारे, ठीक है। और हिमाचल का भी मैं आपको बताऊं कला का और एम्ब्रॉयडरी का इनका बड़ा इतिहास रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं हिमाचल को, अगर मैं कहूँ आर्ट की वजह से कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा है। पुरानी बात है, हम वो मैटर यहाँ पे डिस्कस कर नहीं करेंगे क्योंकि वो विषय है भी नहीं। आगे चलते हैं हम। ये देखिए मैंने आपको ये जो दिखाया है, अब यहाँ से शुरुआत हो गई है हमारे चंबा रुमाल की। किस तरीके से आप देखें पूरी कथा बताई गई है कि यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पे गोपियां वगैरह कर रहे हैं या हाथी के पीछे सेना चल रही है और उसके बाद में आगे या गाय भाग रही है, मतलब पूरा एक जो कथा का वर्णन है पूरा एक सराउंडिंग का। अब आप इसमें क्या गौर करेंगे अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें मोर भी है, गाय भी है, हाथी भी है, ह्यूमन फिगर्स, इसमें ह्यूमन फिगर आपको बहुत दिखेंगे, ह्यूमन फिगर आपको बहुत नजर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ कुछ, सबसे पहले तो आप डिजाइन देखो कि चंबा रुमाल जो है वो चंबा रुमाल किस तरीके का है। अमनदीप आप लिखेंगे बेटा, आवाज आ रही है क्योंकि आप दो तीन लोग लिख रहे हैं, वॉइस आ रही है। और यहाँ पर मुझे निशु कुशवाहा लिख रही है, मैम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ओके, क्योंकि सबका अपना अपना जगह का भी हो सकता है, क्योंकि आधे बच्चे लिख रहे हैं दैट मीन्स ऑडिबल है, राइट, मैं ये मान के चल रही हूँ। अब आगे हम देखें कुछ डिजाइन देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए चंबा रुमाल की, ये देखिए आप ह्यूमन फिगर है सेंटर में। अब आप इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, ज्यादातर तो जो लॉर्ड कृष्णा की जो बेयर्ड बॉडी है, मतलब जहां वस्त्र नहीं पहना हुआ है लॉर्ड कृष्णा ने, वो आप देखिए वो ब्लू कलर से दिखाया हुआ होता है। इनका ये है कि अगर मान लीजिए आप ये देखेंगे ह्यूमन फिगर में अगर ब्लू बॉडी दिखाई गई है तो चंबा रुमाल की जो पूरी स्टोरी है, पूरा जो उसका नरेशन किया गया है, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे उसमें, दैट मीन्स वो लॉर्ड कृष्णा है ना, लॉर्ड कृष्णा है उसके अंदर। तो इस तरीके से अब आप में और मोटिव देखें आप, डेफिनेटली जस्ट ऐसा लगता है दूर से देखने पर जैसे आप पेंटिंग देख रहे हैं, है ना। तो कृष्णा है, उसके बाद में आप देखेंगे गोपियों का बड़ा वर्णन है, महाभारत से रिलेटेड लिया गया है चित्र का, ठीक है, जिसमें आप देखें शिव पार्वती विवाह का पूरा डिपिक्ट किया हुआ होता है इस एम्ब्रॉयडरी के द्वारा, ठीक है। तो अभी पहले आप इसके मोटिव्स देखें किस किस तरीके के हुआ करते थे। ये देखें आप पूरा लॉर्ड कृष्णा का ये पूरा दर्शन दिखाया, गोपियां चारों तरफ नृत्य करी, और एक वो आपने कथा देखी थी कि जो गोपियां जो थी वो श्री कृष्ण के साथ में, हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण नजर आ रहे थे, वो महाभारत को उसमें आपने जब पढ़ी हो या आपको ध्यान हो, तो उसी तरीके से आप देखें गोपी के साथ एक कृष्ण, गोपी के साथ एक कृष्ण, वो पूरा इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। ये देखें आप, और ये पूरी देखिए एक पूरी कहानी सी, इसमें टेम्पल भी आ गया, घोड़े भी, रथ पालकी भी आ गई, पूरी एक स्टोरी, पूरा एक कहानी सी। तो आप ये देखें कि अब क्योंकि ये डबल सटिन से किया गया है तो आप ये देखें कि टाइम कंज्यूमिंग कितना रहा होगा, है ना, टाइम कंज्यूमिंग कितनी रही है ये एम्ब्रॉयडरी, ये कला आप ये देखें। ये यहाँ पर जैसे इसमें देखिए विवाह का एक वो भी था, रुक्मणी हरण, राइट है, अध्याय है आपको महाभारत में,
तो वो इसका बड़ा प्रिय रहा है मोटिव, रुक्मणी हरण। ये देखें आप अगेन विष्णु भगवान, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश है वहां मैक्सिमम लॉर्ड विष्णु को एज अ पूजा जाता है, तो आप इनकी ज्यादातर उसमें जो देखेंगे लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड विष्णु ये मैक्सिमम आपको नजर आएंगे, उनका एक भावनात्मक जो कहते हैं ना भगवान विष्णु से जुड़ाव, तो वो उनकी कला में आपको पूरा साफ दिखाई देगा। आप ये देखें एक गार्डन जैसा कुछ दिखाने की कोशिश की, ये भी बनता था उसमें फ्लावर्स वगैरह जो है, और आप ये देखें पूरा इस तरीके से राजा बैठे हैं रानी के साथ में, और यहाँ पूरा देखिए जैसे कि गार्डन का पूरा नेचर का, उसमें बर्ड्स भी आ गए एनिमल्स भी आ गए, मतलब वेरी लवली एम्ब्रॉयडरी। श्री कृष्णा का आप देखें जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो वो पूरा दिखाया गया है, लॉर्ड कृष्णा गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं और ये गाय वगैरह सब उस पर्वत के नीचे आए हुए हैं। ये एक आपने अगर ध्यान हो आप लोगों को कि जैसे दिवाली के बाद में गोवर्धन पूजा भी इसी उपलक्ष्य में जो कथा थी उस पर की जाती है, तो पूरा देखो उन्होंने अपने उसको दर्शाया हुआ है ना। और अब आप यहाँ देखें लॉर्ड कृष्णा है वो जैसे उसके किनारे पानी लेने के लिए जब गोपियां मटकियां लेके जाती हैं, धेनु चराने जाते हैं, ग्वाले, वो सारा इसमें देखें आप दर्शाया हुआ है, ठीक है। यमुना का किनारा दर्शाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि लॉर्ड कृष्णा और विष्णु के प्रति हिमाचल प्रदेश में वो पुरानी एम्ब्रॉयडरी में कितना ज्यादा उसमें प्रभाव रहा है ना। ये मैंने आपको बीच में जो दिल्ली का क्राफ्ट म्यूजियम है उसमें से दिखाया गया है कि इस तरीके से संरक्षित रखी गई है। और अभी तो देखिए ये समय ऐसा चल रहा है तो इस समय तो नहीं कहूंगी, पर जो भी आप फैशन फील्ड से जुड़े हैं, जो भी आप अपैरल सेक्टर से जुड़े हैं, ठीक है, क्योंकि फैशन और हम अपैरल की जब बात करते हैं तो वो फैशन अपने आप उसमें आ ही जाएगा। जो आप ड्रेस मेकिंग के लोग हो, स्विंग टेक्नोलॉजी के लोग हो, वो चीजें तो वही बनाओगे ना जो आपके स्टाइल्स और फैशन और इन सबको देख के। तो आपने बॉर्डर का भी प्लान कर रहा है, आपने सेंटर फ्रंट आपने किसी में प्लान किया है, या किसी होम फर्निशिंग का सेंटर या बॉर्डर का कब देख रहे हो, तो अपनी कलाओं को भी ध्यान में रखें कि कौन कौन सा आर्ट है, कौन कौन सा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, हम इसको वापस से रिवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समय निकाल के सभी लोग एक बार अपनी जरूर जाएं और देख कर आए वहां पर इस कलाओं कला को, इन सभी को जिनकी मैं आपसे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की बात कर रही हूँ, ये पुराने स्वरूप को जो का क्यों संग्रहित संरक्षित किया गया है। आप देखेंगे ये जो कपड़ा है बेस, ये देखें गल भी चुका है, एम्ब्रॉयडरी के धागों की कलर उनकी खूबसूरती आज भी जो की त्यों है, ठीक है। सो ये आप, ये मैंने दिखाया है कि किस तरीके से संरक्षित किया गया है। आप देखें वो सेम मोटिव्स जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी, ये सारे इस तरीके से सजाए हुए हैं। और कुछ एक मोटिव्स हैं आप लोग जिसे मैंने आपके बीच में दिखाया, आप बनाना चाहें तो ये देखिए इस तरीके का, आप इसी के हिसाब से आप बाकी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ कुछ ह्यूमन फिगर्स रहेंगे, तो आप लॉर्ड कृष्णा वगैरह फ्लावर शंखा चक्रा वो जैसे दिया हुआ, ये देखिए राधा कृष्णा का मोटिव है, फ्लोरल मोटिव वैसे लोटस हो गया इसमें, स्टाइलाइज एनिमल मोटिव हो गए है ना। आप इस तरीके का कुछ लेके नया डिजाइन अपना रूम उसका क्रिएट कर सकते हैं, और बॉर्डर वगैरह में सोच सकते हैं कि छंबा रुमाल के डिजाइन को हम कैसे यूज करें। पिकॉक है, कुछ बॉर्डर मोटिव्स हैं, टेंपल मोटिव्स हैं, ये मैंने आपको लॉर्ड कृष्णा के ये सारे आपको इसमें दिखाई हैं। और अब हम पढ़ते चलते हैं, आपको समझ में हेल्प मिली काफी कि भाई हाँ चंबा रुमाल में किसकी बात कर रही हूँ। आप प्रियंका शर्मा दिल्ली दिल्ली क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो अब आप देखिए कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की बात कर रही थी, आई थिंक आप लोगों को भी काफी अच्छी और पसंद आई होगी देखने से जो आपने देखा है सारे पिक्चर्स पे। छंबा रुमाल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम छंबा, अ हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश वेयर इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरीज। जो छंबा शब्द है वो हिमाचल प्रदेश में एक छंबा जगह है, वहीं से हिल स्टेशन है, वहां से लिया गया है छंबा रुमाल। बेसिकली ज्यादातर जो छंबा रुमाल बनाया गया छंबा के आसपास ही, या फिर कुछ कहे कांगड़ा के कुछ हिस्सों में भी, तो ये वहां से ये शब्द लिया गया जहां सदियों से छंबा रुमाल बनाया जा रहा है। द पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट हैज रिसीव्ड रॉयल पेट्रोनेज सिंस द 17th सेंचुरी व्हेन इट इज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड इन द रीजन। जो पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट है उन्होंने रॉयल जो पेट्रोनेज है वहां से 17वीं शताब्दी में इसको अपने यहाँ का, मतलब जो कहते हैं इसको एज अ रॉयल जो कहते हैं वो रिसीव किया, और उन्होंने इसका अपने आप यहाँ से शुरू भी कलाओं में और इसको जारी भी रखा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन और ओरिजिन के ही आगे। अर्लियस्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ दिस रुमाल इज द वन मेड बाय बीबी नानकी
sister of Guru Nanak in the 16th century, which is now preserved in the Gurdwara at Hoshiarpur. ऐसा माना जाता है पुराने टाइम में कि ये जो रुमाल है जो गुरु नानक साहब जो हैं उनकी सिस्टर उनकी बहन बीबी नानकी ने 16वीं शताब्दी के अंदर ये उनको बनाया था, ठीक है, ये उन्होंने बनाया था. और जो कि आज भी होशियारपुर का जो गुरुद्वारा है उसमें ऐसे ये ऐसे संरक्षित करके उसको रखा गया है. द विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंडन हैज अ रुमाल विच वॉज गिफ्टेड टू द ब्रिटिश इन 1883 by Raja Gopal Singh and it has an embroidered scene of the Kurukshetra war or of the epic Mahabharata. Jo Victoria Albert Museum London mein hai, ye jo rumal hai Raja Gopal Singh ne British mein gift ko gift kiya 1883 mein, 83 mein. To ye usme kya tha, Kurukshetra ki jo war hui thi, Kaurav aur Pandav ke beech mein jo yuddh hua tha, ये पूरा जो उसका सीन है उसमें दर्शाया गया है. तो ये वहां पर उस म्यूजियम में है. However, from the 17th century, the women of the erstwhile princely state of Chamba, now part of Himachal Pradesh, including members of the royal family, indulge in embroidery of the rumals of handkerchief as a part of marriage gifts or dowry to their daughters. जो अगर हम 17वीं शताब्दी में बात करें, जो प्रिंसली स्टेट चंबा जो है उसमें रॉयल फैमिली के लोग इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि जो विमेन्स है बेसिकली, तो इस हैंडकरचीफ को क्या बनाती थी, बनाया करती थी, और इसका प्रयोग कहाँ की थी, जैसे मैरिज गिफ्ट और डॉरी जैसे दहेज में या साथ में जो दिया जाता है एज अ उनकी डॉटर्स को, ठीक है, उसमें भी यूज किया जाता था. और इसके अलावा जो डाइटीज हैं, जो अपने देवी देवता हैं उनको कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ आप थाली में जाके उनको जैसे मान लीजिए भोग वगैरह लगा रहे हैं या कुछ और भी चीज ऑफर कर रहे हैं, तो उसको कवर किसी रुमाल से करके देने की परंपरा वहां पर थी. या दो ही जगह पे इसका यूज किया जाता था पुराने टाइम में, ठीक है, जस्ट लाइक स्क्वायर पीस हो गया या रेक्टेंगल और स्कार्फ के फॉर्म में कभी कभी, और बाकी वो एज अ रुमाल. राजा उम्मेद सिंह ऑफ चंबा 1748 ये थोड़ा पैट्रोनाइज द आर्ट, इन्होंने जो आर्टिस्ट थे उन लोगों को एक जगह दी, पहचान दिलाई और उनका काम को उन्होंने संरक्षित सपोर्ट भी किया. दीज आर्टिस्ट ड्रू द आउटलाइन ऑफ द डिजाइन ऑन द फैब्रिक टू बी एम्ब्रॉयडर्ड यूजिंग द चारकोल्स एंड ऑल्सो सजेस्टेड द सूटेबल कलर टू बी अडॉप्टेड ऑन द मैथोलॉजिकल थीम ऑफ कृष्णास रासलीला ऑफ द एपिक महाभारता एंड थीम फ्रॉम रामायण और सीन ऑफ मैरिज एंड गेम हंटिंग टू बी एम्ब्रॉयडर्ड. इसमें ये कहा जाता था पुराने टाइम में ये जो फैब्रिक है इसकी आउटलाइन की जो डिजाइन है वो चारकोल से पहले ट्रेस की जा रही थी. कल्पना बना ली, दिमाग में चल रही है कि ऐसी मुझे पूरी बनानी है क्योंकि पूरी स्टोरी है. तो उन्होंने क्या किया, हम देखें आपसे जब उसकी बात कर रहे थे फुलकारी की, तब हमने कहा था उसको ट्रेस नहीं किया जाता है, ठीक है. हम जब आपसे बात कर रहे थे कसूती की तो हमने कहा था काउंटर थ्रेड एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है. लेकिन अब अगर हम बात करें आपसे चंबा रुमाल की, तो क्योंकि पूरी कहानी पूरी स्टोरी दर्शानी है तो वो क्या करती थी, चारकोल से आउटलाइंस उसकी ड्रॉ कर लेती थी, जो भी अपने प्रभावित है, चाहे वो कृष्ण लीला से हो, कृष्ण रास लीला से हो, महाभारता से हो, रामायण से हो, जो भी है. और इसके अंदर आप देखेंगे कुछ कुछ इवेंट्स जो हैं वो गीत गोविंदा, भगवत पुराना, राधा कृष्ण, शिव पार्वती से भी संबंधित आपको इस पूरे रुमाल में वर्णन मिलेगा, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हम. इंस्पिरेशन वॉज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्रॉम द फोर्सेज रंग महल ऑफ चंबा जो है उससे भी कुछ प्रभावित करके ली गई है. To revive this artwork in the later part of 1970s at the initiative of Usha Bhagat, इस art को वापस से पुनर्जीवित करना, वापस से revive जो करना है, ठीक है. ठीक है, वो क्या किया था 1970 में उषा भगत, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं उनकी friend थी, तो उन्होंने इसको वापस से revive करने का प्रयास किया और लोकेटेड द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ दिस आर्ट वर्क फ्रॉम म्यूजियम एंड कलेक्शन में उन्होंने रखे. एंड वुमेन आर्टिस्ट जो इस काम में ट्रेंड थी उन्होंने उसके ये काम को वापस बनाया, बनवाया भी, जैसा पुराना था जो का त्यों उन्होंने बनवाया भी. इसका रिजल्ट क्या है, 16 डिजाइन दोबारा से रिक्रिएटेड की गई और जो अच्छी क्वालिटी की बनी थी, बिल्कुल पुराने टाइप के जैसे जिसको बनी हुई थी, वो वापस से उसको रिस्टोर करके रखी गई. देखिए
जो मैंने तो आपको बहुत सारे डिजाइन बता दिए, लाइक आपको गीत गोविंदम से भी बता दिया, महाभारत से भी, रामायण से भी, कृष्ण लीला भी, ठीक है, उसके अलावा शिव पार्वती सम वो भी, लेकिन सारी संरक्षित नहीं रखी गई, सिर्फ वर्णन मिलता है किताबों में और उनमें, तो जितनी संरक्षित थी वो तो चलिए म्यूजियम में है, मिल गई, लेकिन जो नहीं थी जिनका केवल वर्णन था वो इन्होंने श्रीमती उषा भगत जो थी उन्होंने ये वापस से कुछ आर्टिस्ट को कलेक्ट किया, कुछ उनसे बात की और उसके बाद में उन्होंने लगभग 16 डिजाइन जो थी वो फिर से वापस बनाई और जो बेस्ट डिजाइन थी वो स्टोर करके रखी गई हैं। ललिता वकील वॉज अवॉर्डेड द नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड फॉर हर वर्क इन हेल्पिंग टू रिवाइव द आर्ट बाय ऑर्गेनाइजिंग कोर्सेज, जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइज करने करके ताकि इस आर्ट को जिंदा रखा जा सके, तो श्रीमती जो ललिता वकील है इनको अवार्ड किया गया, राइट, ललिता वकील। अब इसमें नारी शक्ति पुरस्कार भी उनको इसमें प्रदान किया गया, राइट। अब हम देखते हैं कि आप समझ गए हैं, आप मुझे चैट बॉक्स में आप लिख के दे, लिख के बताएं कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि किस छंबा रुमाल की बात हो रही है, मोटिव्स कैसे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो मैंने आपको मोटिव्स दिखाए, जो मैंने रुमाल्स बने हुए दिखाए हैं ना, आपको समझ में आ रहे हैं और आपको अच्छा भी लगा कि आप समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे छंबा रुमाल बनाना है तो मुझे किस तरीके की डिजाइन बनानी होगी, क्योंकि मैं आई विल डिस्कस, मैं अभी जो वेबिनार है उसके स्लाइड बाय स्लाइड जब आएंगी तो डिस्कस जरूर करूंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको स्टार्टिंग का जो मेरा दिखाने का जो सारी डिजाइन है जो दिखाने का उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि आपको समझ आ रहा है, आगे की जो जितनी भी स्लाइड्स हैं वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी अगर आपने पहले जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको जो रुमाल बने हुए थे वो दिखाए थे, तो आप अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब देखिए फैब्रिक इसमें कौन सा लिया जाता है, आपने सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स में आप बताएं कि इतने सारे हमने आपको दिखाए, ठीक है, अब आप बताएं आप क्या बताते हैं फैब्रिक का कलर क्या होगा, आंसर करें जरा चैट बॉक्स में, देखते हो कितना अटेंटिवली अटेंड कर रहे हैं। वेरी नाइस रेखा यादव, ज्योति तवर गुड, प्रियंका शर्मा, नीशु कुशवाहा नो, वो कुछ स्लाइड्स में आपको हो सकता है हल्का सा येलो क्योंकि पुराना रखा है तो दिखा होगा, ऑफ वाइट हो गया क्योंकि बहुत पुराने टाइम से रखा है, बट इसके लिए अनब्लीच्ड जो फैब्रिक है जिसको कोई कलर नहीं ब्लीच नहीं किया गया, जो उसका नेचुरल कलर है वो हल्का सा आपको ग्रे फैब्रिक का कलर पता ही है किस तरीके का होता है, हैंडस्पन जो कपड़ा है वो यूज किया गया है, ठीक है, ओके राइट, आंसर्स ज्यादातर राइट हैं, एक का रॉन्ग था थोड़ा सा, वो शायद उनको पुराना जो स्टोर किया हुआ कपड़ा है उनको येलो नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली बिना कलर का अनब्लीच जो कपड़ा है इसमें हम कह सकते हैं आपका मलमल और खद्दड़ दोनों यूज किया जाता था। फैब्रिक रुमाल वॉज मेनली मेड आउट ऑफ मलमल और खद्दड़ क्लोथ, मेनली जो बने हैं रुमाल्स मैक्सिमम जो बने हैं मलमल एंड खद्दड़, ठीक है। अब खद्दड़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मलमल और खद्दड़ कहाँ कहाँ यूज किया, हमने आपको जब काथा बताया था तब हमने आपको मलमल बताया था, है ना, हमने आप जब को फुलकारी बताई तब हमने आपको खद्दड़ बताया था, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हैंडस्पन जो कपड़े की बात की जा रही है वो किस किस एम्ब्रॉयडरी में कौन कौन सा रहा होगा, ठीक है। क्लोथ वॉज जनरली अनब्लीच, जो मैक्सिमम क्लोथ यूज किया गया वो अनब्लीच ही रहता था, ठीक है। द डिजाइन वर ड्रॉन इन आउटलाइन विद फाइन चारकोल, जो फाइन चारकोल है उससे डिजाइन आउटलाइन की जाती थी, ठीक है। अब इसमें हम देखें धागे कौन से यूज करते हैं, ठीक है, अनट्विस्टेड डाइट सिल्क थ्रेड, क्योंकि जो हिमाचल है वो पंजाब के आसपास है, तो आप देखिए जब आसपास के प्रदेश होते हैं तो उनकी जो कलाओं का और इनका असर जरूर एक दूसरे पे पड़ता है, तो अनट्विस्टेड जो थ्रेड है डाइट सिल्क थ्रेड वो मंगवाया वहीं से जाता था, जो आपके पंजाब के कुछ क्षेत्र है वहीं से मंगवाया जाता था। अब इसमें हम आगे देखें कलर्स, धागे की कलर, कपड़े का कलर आपको समझ में आ गया, कपड़ा आपको समझ में आ गया, है ना, आ रहा है ना समझ। अब कलर्स की बात करते हैं कि कलर कौन कौन से यूज किए जाते थे धागे के, रेखा यादव हाँ अनब्लीच्ड का ना, तो ब्लीच नहीं करा तो जो कलर है ऑफ वाइट वाइट क्रीम वो अपने आप नेचुरल जो कलर कपड़े का है वो है, जो लूम पे से बना जो कलर आया सिर्फ हल्का सा उसको वॉश ही करेंगे, ब्लीच नहीं करेंगे उसको, ठीक है। वेरियस शेड्स ऑफ डीप येलो व्हाइट ऑरेंज एंड रेड, कलर्स कौन से यूज किए जाएंगे, डीप येलो के कई शेड्स व्हाइट ऑरेंज और रेड यूज किए जाएंगे जाते थे। कृष्णा डिपिक्टेड बेयर बॉडीज वर एम्ब्रॉयडर्ड इन ब्लू, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया, लॉर्ड कृष्णा जो है उनकी जो वस्त्र पहनने के अलावा जो शरीर का भाग दिख रहा है वो ब्लू, क्योंकि ठीक है
श्याम वर्ण को ब्लू से दिखाया गया है, ठीक है। और अदर फ्रिक्वेंटली यूज कलर्स वर मॉव ग्रीन एंड स्काई ब्लू, समटाइम्स स्काई ब्लू भी दिखाया, मतलब पर ब्लू ही रहेगा वो श्याम वर्ण जो है उसको ब्लू करके कुछ दिखाया गया है। ब्लू इज ऑलवेज यूज एज कृष्णा, हमेशा ये ध्यान रखें ब्लू कृष्णा के लिए यूज किया गया है। बॉडी अगर पुराना रुमाल बना हुआ है, छंबा रुमाल आप कहीं पर देख रहे हो, उसकी उनकी जो बॉडी है अगर आप ब्लू देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि कृष्ण से रिलेटेड ही किसी स्टोरी या कुछ भी इपिक जो सीन है उसका वर्णन है यहाँ पे। रेड ब्लू एंड व्हाइट कलर्स आर यूज फॉर द ब्रह्मा। अब जब ब्रह्मा के लिए बात की तो इनमें भी ब्लू यूज किया गया है, ठीक है। एंड लेकिन ब्रह्मा का जो आप देखेंगे डिफरेंस क्या है, जो ब्रह्मा है एक तो वो बैठे किस पर होंगे वो डिफरेंस है, उन्होंने हाथ में पकड़ा क्या होगा वो डिफरेंस है, क्योंकि अगर कृष्णा की बात की जा रही है तो मोरपंख और बांसुरी श्याम नीलवर्ण के साथ साथ आप क्या देखेंगे उसमें मोरपंख एंड बांसुरी भी देख लेंगे। यही अगर आप ब्रह्मलॉर्ड ब्रह्मा की बात की जा रही है तो उनके हाथों में आप जो विद्यमान रहता है लाइक कुछ वेद वगैरह पुस्तक वगैरह इस तरीके की जो है और पद्मासन वगैरह जो किस है उस तरीके का आप देखेंगे लॉर्ड ब्रह्म, और उनके जो मुख है वो आप देखेंगे कि जिस तरीके से होते हैं, क्योंकि कृष्णा का तो एक मुख ही होगा ना और लॉर्ड ब्रह्मा है तो वो डिफरेंस आप साफ समझ जाएंगे उसमें, ठीक है। विष्णु एंड महेश रिस्पेक्टिवली ज्यादातर जो ये है ये इस तरीके से यूज किए जाते थे, लेकिन कृष्णा ये बाकी जो देवता हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में हो सकते हैं, लेकिन जो लॉर्ड कृष्णा है वो केवल और केवल ब्लू में ही आपको दिखाई देंगे। गोपीज इन विविध कलर्स ऑफ येलो एंड ग्रीन और डार्क पिंक और क्रिम्सन कॉम्बिनेशन, जो गोपीज आपको दिखेंगी, ठीक है, वो जो फीमेल फिगर के बारे में अगर बात की जा रही है यहाँ पर तो आप ये समझ लें तो वो कौन कौन से हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ आप येलो के शेड्स देख सकते हैं उसमें, ग्रीन के, डार्क कुछ पिंक के और कुछ क्रिम्सन के कॉम्बिनेशन है वो आपको इसमें दिखाई देंगे। द आउटलाइंस आर ऑलवेज वर्क विद ब्लैक, आप जो ये बात की जा रही है चारकोल से जो प्रिंट ट्रेस कर लिया उसके बाद जो आउटलाइन बनाई डिजाइन की, ठीक है, वो हमेशा ब्लैक कलर से ही रहेगी। अब आप फुलकारी और इसमें आपने कॉमन क्या चीज देगी, अनट्विस्टेड सिल्क देखा ना आपने, वो सिल्क जो है थ्रेड है वो अनट्विस्टेड इसमें यहाँ यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम स्टिचेस की तरफ, स्टिचेस कौन सी यूज की जाती थी। द एम्ब्रॉयडरी इज डन विद डबल सैटन स्टिच डन बोथ वेज वेयर द इफेक्ट इज रिवर्सिबल, इसमें डबल सैटन स्टिच की यूज की जाएगी, ठीक है। और डबल सैटन स्टिच इस तरीके से यूज करेंगे कि जो जिसपे आपने एम्ब्रॉयडरी की है वो दूसरी तरफ भी एक जैसा ही दिखेगा, रिवर्सिबल दिखेगा एक जैसा। और आपने मैंने एम्ब्रॉयडरी की टेक्निक के समय एक बार डिस्कस किया भी था आपसे, एम्ब्रॉयडरी की स्टार्टिंग की टेक्निक क्या होती है, आप नॉट नहीं करेंगे, स्टिनी स्टिचेस लगाएंगे रनिंग की बहुत छोटी छोटी सी और उससे स्टिच स्टार्ट करेंगे, नॉट नहीं आएगी। तो जब इसमें नॉट नहीं, केवल नॉट से ही तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ना, अगर मान लीजिए सेटन है तो आपने फिनिशिंग से बना हुआ है तो नॉट से आप आइडेंटिफाई करोगे कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। लेकिन इसमें क्या है कि जो आप देखें बिना अनट्विस्टेड निशु कुशवाहा बिना बटा, ठीक है, इसमें बटाई नहीं की गई है जो आपका फुलकारी में यूज करते हो जिसे आप पट कहते हो, ठीक है। द उसमें आपने के दोनों तरफ से एक जैसा नजर आएगा इसमें। इट इज सो फाइन दैट नॉट ओनली द बैकग्राउंड इज हार्डली विजिबल बट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द राइट साइड, बैकग्राउंड दिखेगा और आपको आप बैक साइड भी बड़ा इसमें मुश्किल होता है देखना, सिंस द वर्क इज नेवर स्टार्टेड विद अ नॉट बट विद द बैक स्टिच एंड द थ्रेड आर नेवर जॉइंट विद नॉट्स ईदर। आप उसमें देखेंगे अगर आपका धागा बीच में जरूरत पड़ी तो वो भी धागे से या कहीं पर भी जोड़ा नहीं, गांठ नहीं लगेगी उसमें, छोटी सी बैक स्टिच आप लगाएंगे, ठीक है, कुछ बैक स्टिच है, कुछ थोड़ा सा आपने अगर आपने जॉइन करना है बीच के अंदर तो भी आप बीच जो एरिया सरफेस है उसमें छोटी छोटी स्टिचेस लगा के आप करेंगे, तो इससे आपको क्या है नॉट भी नजर नहीं आ रही, जोड़ कहीं दिखाई नहीं, तो फ्रंट एंड बैक को आइडेंटिफाई करना इसमें बड़ा बैकग्राउंड को मुश्किल होता है। दूसरी स्टिच जो इसके अंदर है वो है स्टैम, स्टैम यूज की जाती थी और बहुत रेयर कहीं कहीं मैं आपको बताऊं चेन स्टिच इसमें यूज नहीं किए जाते थे, लेकिन बहुत कहीं पर एक आध जगह पे प्रमाण ये भी मिलता है कि कुछ जाट विमेंस ने जब चुम्मा रुमाल बनाया और वो मिला तो उसमें उन्होंने चेन स्टिच पर, बाकी वैसे चुम्मा रुमाल में आप चेन स्टिच नहीं देखेंगे। तो ज्यादातर आप मेन जो डिजाइन का रहेगी वो आपकी सेटिन ही कवर करेगी और बाकी कहीं कहीं आउटलाइंस आपने स्टैंड कर ली, ठीक है, ओकेजनली फ्यू हैरिंग बोन वगैरह भी इसमें यूज ओकेजनली बहुत कम यूज होती थी। अब हम चलते हैं आगे मोटिव्स की तरफ कि मोटिव्स कौन कौन से यूज इसमें किए जाएंगे। अ ग्रेटर पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वैष्णवर्स बिलीवर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा द रीइनकार्नेशन ऑफ द विष्णु,
देखिए जो लॉर्ड कृष्णा जो कि विष्णु अवतारी कहे जाते हैं है ना, तो उनकी जो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो लॉर्ड विष्णु वैष्णव है सारी, तो वैष्णव है तो उनकी जो क्या कहते हैं वर्शिप भी विष्णु या विष्णु के अवतार की करेगी, तो वो ही आपको इसकी जो जितनी भी डिजाइंस हैं जो बनाई गई है जितने भी रुमाल्स हैं एक्चुअली रुमाल्स ठीक है, तो वो उसमें आपको उसका प्रभाव नजर आएगा। द मोटिव्स आर कलेक्टिवली ब्रॉट फ्रॉम द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो लॉर्ड कृष्णा की लाइफ हिस्ट्री है उसी से सारे मोटिव्स चारों तरफ इसके मेनली दिखेंगे। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट कंपेटिबिलिटी बिटवीन द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन एंड द एनिमल मोटिव इन द निडल क्राफ्ट, आप इसमें ह्यूमन मोटिव और ये एनिमल मोटिव्स ये भी आप इसमें नजर आएंगे। मोटिव्स इन हिमाचल प्रदेश कंसिस्ट ऑफ सिंबॉलिक एनिमल्स लाइक लीपिंग टाइगर हो गया, रनिंग गोट्स हो गई, कैंटरिंग हॉर्सेस हो गए, फ्लिटिंग रैम्स हो गई, जंपिंग डियर कूदते हुए जैसे हिरन हो गए, भागती हुई बकरियां हो गई है ना, टाइगर्स हो गए, इसके अलावा घोड़े हैं ठीक है, उसके ऊपर घुड़सवार भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात की बर्ड्स की बात करें तो पिकॉक है, आपका स्पैरो है, आपके तोते हैं ठीक है, ये सब आपको नजर आएंगे। और ये जो मोटिव्स हैं और ये जो कुछ कुछ एनिमल्स हो जो मैं बर्ड्स की बात कर रही हूँ उस रुमाल का, क्योंकि रुमाल का तो एक थीम लेके बना रहे हैं, रुमाल जब बनाया जा रहा है ना तो वो तो किसी थीम पर है, तो थीम तो आपने सेंटर में दे दी पूरी राइट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही थी रुक्मणी हरण की बात कर रही हूँ, अब रुक्मणी हरण की थीम तो आपने सेंटर में पूरी बना दी रुमाल, तो मेन फोकल पॉइंट तो आपके रुमाल का रुक्मणी हरण रहा, लेकिन अब बाकी खाली बैकग्राउंड को भी तो कवर करोगे, तो खाली बैकग्राउंड को क्या हो सकता है, कुछ पिकॉक वगैरह हो गए, स्पैरो हो गए, कुछ मतलब वो चीजें दर्शा के उसके खाली बैकग्राउंड को कवर कर दिया जाता था, तो खाली को उसको भर दिया जाता था ठीक है। तो उसके बाद रुमाल कंप्राइजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्रेमवर्क हैविंग 2 to 3 inches ऑफ फ्लोरल बॉडीज ऑन ऑल 4 sides। अब जो कहेंगे ना इस तरीके के फ्रेमवर्क में रुमाल बनाया जाता था कि 2 to 3 inch की जो फ्लोरल है डिजाइन वो चारों तरफ पे बनी हुई होती थी, और जो सेंटर है कई बार जैसे मान लीजिए चारों तरफ फूल और ये पत्तियां और ये सब बनी हुई है और सेंटर के अंदर कुछ गुलदस्ते और कुछ कॉर्नर्स के अंदर भी गुलदस्ते हैं, तो ये जो पूरा है ये इस तरीके का कुछ बर्ड्स आ गए, मतलब अब क्या है मान लीजिए इसमें कोई रुक्मणी हरण या फिर आप मान लीजिए रासलीला ये या फिर शिव पार्वती वो सब नहीं दिखाया गया, लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन भी होती थी कि फ्रेमवर्क में पूरा बॉर्डर हो गया आपका फ्लोरल बॉर्डर है आपका और उसके अंदर और चारों साइड्स पे कॉर्नर्स पे कुछ गुलदस्ते वगैरह कॉर्नर्स में दिए गए, बीच में भी फ्लावर्स दिया हुआ है और कुछ कहीं कहीं पे इसको कंप्लीट करने के लिए मोटिव्स में जैसे एनिमल बर्ड्स और ट्रीज वगैरह दे दिए, तो ये किस तरीके के दिखाई जैसे गार्डन जैसा इफेक्ट भी दिखाया जाता था लगता था कि जैसे कि गार्डन है। आप ये देखिए जैसे देखिए पूरी तरफ यहाँ फ्लोरल मोटिव दे दिया, यहाँ कुछ गुलदस्ते दे दिए, बाकी फ्लावर्स वगैरह बना दिए, तो ये गार्डन जैसा इफेक्ट भी ऐसे डिजाइन भी बनती थी उसमें ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर थीम की, ये थीम कौन कौन सी इसमें यूज की जाती थी, क्या क्या थीम है जो इसमें प्रयोग की जाती है, थीम है ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है एक आ जाएगा और पूछ लिया जाएगा आपसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए अब मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कपड़ा वगैरह ये सब तो है, लेकिन ये इसलिए कि आप बनाओगे ना, आप भी तो डिजाइन क्रिएट करोगे, आप अगर छंबा रुमाल के डिजाइन क्रिएट कर रहे हो तो आपको थीम भी पता होनी चाहिए ना, मैं कौन सी थीम पे बना रही हूँ ठीक है। सो थीम कौन सी है, रासमंडला, दिस थीम डिपेक्ट द स्टोरी अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड राधा टुगेदर, इस रासमंडला में राधा जी और श्री कृष्ण जी वो दोनों साथ में रहेंगे और वो इस तरीके की जो थीम आपने उनको सेंटर में रखकर और बाकी जो आपने और मोटिव्स उसको सपोर्ट के लिए दिए हुए हैं तो वो आपकी कहेगी रासमंडला, पर मेन उसका क्या है लॉर्ड कृष्णा एंड राधा जी दोनों उसके अंदर रहेंगे ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया कालिया दमना, दिस थीम डिपेक्ट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा स्लेइंग द डेमन्स, जो आपने कालिया मर्दन की कथा सुनी होगी जो समुद्र के समय वो जो कालिया नाग की कथा आती है तो वो कालिया दमन जो है वो पूरी वो भी दर्शन इसमें आप देखेंगे कि वो इस वो ब्लू जैसा जो यमुना है और फिर जो कालिया नाग है वो सब दिखा के और उसके बाद में श्री कृष्ण विक्ट्री के बाद में उसके सिर फन के ऊपर पाव रख के बांसुरी बजाते हुए रखेंगे, इस तरीके का कुछ डिपिक्ट किया हुआ होगा वो आपको दिखाई देगा इसमें। समुद्र मंथना, अब ये समुद्र मंथना जब मैंने जब ये शायद हमारा उसमें भी आया था डिस्कशन, हम जब कहे थे समुद्र मंथना जो हमने कांथा के बारे में बात की थी आपसे कि लॉर्ड शिवा है वो नीलकंठा जो कहलाए और वो ब्लू से दिखाया जाता, तो इसमें भी क्या है समुद्र मंथना सेम, ये आप देखें दोनों में ये सेम सेम चीजें काफी आ रही है तो ध्यान से आपको पढ़ना होगा क्योंकि वो भी महाभारत से प्रेरित है, वो भी रामायण महाभारत और जो भी पुराणों की कथाएं हैं उनसे ही प्रभाव करके ये बनाई गई है डिजाइन पूरी स्टोरी।
So, Samudra Manthan, this theme depicts the story of Lord Krishna capturing the seven-headed water snake. ये यहाँ पे एक इसमें ये राइट लिखे वो हो गया है. बाकी समुद्र मंथन हमें जो यूज किया जाएगा वो मैंने जो आपको स्टोरी बताई है समुद्र मंथन की वो ही आएगी. ये थोड़ा सा टाइपिंग और करते समय हो गया है बट हमें उस पर नहीं जाना है. जो एक्चुअली समुद्र मंथन है वो स्टोरी आपको सभी पता है उस की होगी. उसके बाद में ये है आपका रुक्मणी हरण. रुक्मणी हरण की जो कहानी थी तो वो रुक्मणी हरण वाली जो कहानी है वो इसमें आएगी कि रुक्मणी का किस तरीके से हरण किया गया था. और इसमें मैं बताऊं आपको रुक्मणी हरणा भी आता है इसके अंदर. और उसके अलावा जो महाभारत का अर्जुन ने जो हरण किया था वो दोनों इसमें आएंगे. मतलब इस तरीके की भी स्टोरी दिखाई जाती थी क्योंकि महाभारत से भी प्रभावित है तो रुक्मणी हरणा भी आ रहा और उसके अलावा जो अर्जुन ने हरण किया था वो कथा भी उसमें दिखाई जाती है. वो दोनों ही इसमें है. ठीक है. उसके अलावा बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है, राग रागिनी जो चार राग हैं उसको भी थीम्स के थ्रू दिखाया जाना. उसके बाद अष्टनायक, दिस थीम डिपिक्टेड द मूड स्विंग्स ऑफ द मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप. जो है वो जो मूड स्विंग्स हैं वो इसमें दिखाए जाएंगे. और मिंजर मेला जुलूस, वहां के लोकल जो मिंजर मेला जुलूस होता है उस पूरे को भी यहाँ पर दिखाया गया है. तो ये जो है ये सारी जो थीम है ये मेन थीम्स हैं आपकी चंबा रुमाल जो पुराने टाइम में बनाई जाती थी. और ज्यादातर जो रुमाल है उसमें ये सब दिखी है उससे ये लिया गया है, बुक से मिली है, जो रिटर्न मटेरियल मिला है उनसे मिली है. तो ये सारी जो थीम है वो इसके अंदर दिखाई जाती थी. अब हम बनता कैसे था. यूजिंग अ डबल सैटन स्टिच फॉर द एम्ब्रॉयडरी बोथ फेसेस ऑफ द क्लोथ आर कॉन्क्रीटली स्टिचेस बाय अ फॉरवर्डेड टू बैकवर्ड टेक्निक टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिजाइन ऑफ द बोथ फेसेस ऑफ द रुमाल. ये डबल रनिंग डबल सेटिंग स्टिच इसमें ज्यादातर यूज होगा. फ्रंट और बैक एक जैसा ही नजर आता था. ये हम आपको पहले भी अभी बता चुके हैं. नॉट नहीं लगती थी धागे के अंदर, ना तो बीच में जोड़ते समय और ना ही स्टार्टिंग करते समय. ठीक है. After completing the embroidery, the fabric is stitched with a border of about 2 inches to all sides. जो बॉडी आपने कंप्लीट कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने डिजाइन कंप्लीट कर लिया, तो डिजाइन जब कंप्लीट हो गया तो उसका जो पूरा चारों तरफ का बॉर्डर है ये 2 से 4 इंच चारों तरफ की साइड्स को लेके स्टिच किया जाता था. इसमें शायद मैंने दिखाया भी है. देखें आप, ये देखिए दिख रहे हैं आपको. तो ये इस तरीके से ये चारों तरफ में स्टिच भी किया जाता था. ठीक है. अब आप इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से बनते थे. देखिए मेनली जो आर्टिकल्स है रुमाल्स ही है, चंबा रुमाल्स जो यूजुअली कहाँ यूज किए जाते थे, या तो मैरिज के पर्पज से देते हैं या जो वेडिंग है जो ब्राइड है उसको उसके कलेक्शंस में दिया जाता था. और दूसरा क्या है, जो डाइटी को कुछ ऑफर कर रहे हो आप तो उसके अंदर ये दिया जाएगा. और फ्यू स्कार्फ्स जो है, इसके अलावा कोई आर्टिकल जो पुराने टाइम में चंबा रुमाल का था वो कहीं यूज नहीं किया जाता था. ये आपको चंबा रुमाल का एक और डिजाइन है. तो आप ये देखिए पूरा बॉर्डर फ्लावर्स वगैरह से बनाया गया है इसके अंदर भी. तो इस तरीके से भी है कि कुछ ऐसा पूरा नरेशन किया गया स्टोरी का, गार्डन का, बाग का, एक विहार का चित्रण है. तो फिर उसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए आप बॉर्डर वगैरह का यूज भी कर सकते हैं. अच्छा, इस चंबा रुमाल को आप क्या कर सकते हैं, अभी जैसे देखिए आपको जब इसको आपको लगता है कि ये अच्छी एम्ब्रॉयडरी है और हमें इसको जिंदा रखना चाहिए, हमारे देश का इतना खूबसूरत इतिहास रहा है तो इसको हमें रखना चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी एक मोटिव भी उठा सकते हैं. जैसे मान लीजिए सेंटर वाला मोटिव उठा लिया और उसको आपने क्या कर दिया, कुशन के सेंटर में दे दिया, बॉर्डर को चारों तरफ बना दिया और बीच में से इनका कोई भी एक जो डिपिक्ट की गई है सीन जो भी है वो आपने बना दिए. तो इससे क्या रहेगा, क्योंकि पूरा जब बनाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया. तो क्या रहेगा कि आपने इस आर्ट को जिंदा भी रखा, ठीक है, आपने और उसको पूरा उस फॉर्म में ना लेके उसके छोटे से मोटिव को आपने यूज कर लिया. ऐसा भी अब आज के टाइम में हो सकता है, बट आगे हम देखते हैं कि प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है. प्रेजेंट डे ऑल्दो द क्राफ्ट इज बिलीव टू हैव डाइड, ये माना जा रहा था कि ये अपने मतलब अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है. इट्स ऑन अ पाथ ऑफ रिवाइवल विद द हेल्प ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट. लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उनके सहायता से ये वापस पुनर्जीवित मतलब वापस से जिंदा रखा जाके उसके प्रयास भी किए जा रहे हैं. एज द वुमेन फोक हैव स्टार्टेड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी, जो औरतों का समूह है जो क्योंकि मेनली आप देखें ये भी वुमेन्स के थ्रू ही ज्यादा किया जाता था. अभी फर्दर हम जब देखेंगे, देखिए अब तक ज्यादातर हमने जो एम्ब्रॉयडरी आपसे डिस्कस की है वो वुमेन्स जो ग्रुप है वो अपने खाली समय में ज्यादातर बनाया करता था. कुछ तो क्या है रीति रिवाज है तो आपको वो बनाने ही बनाने, क्योंकि कन्या के विवाह पर देना ही देना है, तो एक वो भी रहा. कुछ है कि पुराने कपड़े को रिसाइकल करना है,
कुछ परंपराओं की वजह से, तो ज्यादातर तो विमेन ही बनाई करती थी। और आगे हमने कमर्शलाइजेशन की बात की थी तो हमने शायद गुजरात के अलावा हमने बात नहीं की थी कि बाकी तो सब सिर्फ ऑफर करने के लिए ही अपने परंपराओं में गिफ्ट पर्पज से यूज किया जाता कि बाकी कमर्शियल यूज नहीं। बट हाँ कच्छ और काठियावाड़ की जब हमने बात की थी तब हमने कहा था कि हाँ ये थोड़ा सा कमर्शियल यूज इसका किया जाता। उसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में जब हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर की के बारे में भी ये है कि वो भी देखेंगे। बेसिकली हम जैसे यहाँ जैसे विमेन वर्क कर रही है वहां मैन है जो इस वर्क में इन्वॉल्व है। तो अभी हम देखिए जैसे चम्मा उमा जो मेनली महिलाओं के समूह द्वारा ही बनाया जाता था और आज के टाइम में अदर यूजफुल आइटम्स जैसे कि वॉल हैंगिंग हो गए, टेबल मैट्स हो गए, कुशन कवर हो गए, कुछ डेकोरेशन पर्पस की जो चीजें हो गई, ये तो रुमाल के अलावा ये सब चीजें भी है जो इसके चंबा रुमाल की जो मेन डिजाइन है, मेन जो इसका थीम है उसके हिसाब से अब बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारा आपको चंबा रुमाल जो था वो अभी कंप्लीट कर दिया है कि चंबा रुमाल एक्चुअली है क्या, चंबा रुमाल के मोटिव्स है क्या। अब आप मुझे लिख के ही बताएं क्या आप इसकी डिजाइन से एक बार दोबारा देखना चाह रहे हैं या हम क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने जो बात की हमने चंबा रुमाल कहाँ शुरू हुआ, इसको रिवाइव किसने किया, किस व्यक्ति को नारी शक्ति अवार्ड मिला इसके लिए, है ना, और इसमें कौन से धागे यूज होते हैं, कौन से कपड़ा यूज होता है, धागों के कलर कौन से होते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा लॉर्ड विष्णु की बॉडी अगर आपको चार ऑप्शंस दे दिए गए कि इनमें से लॉर्ड विष्णु की आप सेलेक्ट करें या लॉर्ड कृष्णा की करें, तो यहाँ लॉर्ड कृष्णा का चयन आ गया तो आप कौन सा कलर चूज करेंगे धागे का। ट्विस्टेड अगर आपको ऑप्शन दे दिए कि थ्रेड चंबा रुमाल के लिए कौन सा यूज किए जाए तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा थ्रेड की बात की गई थी। ठीक है, सो अब रेखा यादव एनएसटीआई इंदौर से लिखती हैं, यस मैम मुझे सारे डिजाइन दिखा दीजिए। ठीक है, तो और हैंड रेज करने की जगह आप लिख दें क्योंकि हैंड रेज करेंगे मैं फिर आपका अनम्यूट वगैरह की सारी होस्ट के पास है और फिर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और हमारे पास इतना समय नहीं होता, हमें एक घंटे को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। तो मैंने ललिता वकील को बताया था ना, मैंने उनको नारी शक्ति अवार्ड मिला है, मैम अवार्ड किस लेडी को मिला था, सविता रावत पूछ रही है, उनको मेरा जवाब है ललिता वकील जिनको नारी शक्ति अवार्ड मिला था इसके लिए। ठीक है, और मिसेस उषा थी जो इंदिरा गांधी की फ्रेंड जिन्होंने इसकी पुरानी डिजाइन को लगभग 16 को वापस से लेडीज को इकट्ठा करके और बनवाई थी डिजाइन। ठीक है, सो क्योंकि मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपने कितना अटेंटिव रह के अटेंड किया है, कुछ बच्चे उसके लिए कह रहे हैं कि स्लाइड्स में ठीक है पुराने दिखा देती हूँ आपको वापस से क्योंकि अभी टाइम है, राइट। और जैसे अभी हम देख ले हमने सारी कपड़े की बात कर ली, थीम्स की बात कर ली, स्टिचेस की बात कर ली, है ना, तो एक बार ये देखें आप देखना चाह रहे थे, ये देखिए डिजाइंस अब देखें वापस से और अब जो सब कुछ पड़ा है अब उसको से करके देखें। हैं पिकॉक दिख रहे हैं आपको, लॉर्ड विष्णु दिख रहे हैं, शंखा है, चक्रा है ना, डांसिंग हिरन्स, विवाह का सीन, पर ये विवाह सीन में पता है कि लॉर्ड कृष्णा की बात नहीं हो रही है यहां पे, है ना। ये देखिए टेंपल, पालकी, घोड़े, और ये तो जैसे ऐसे सैनिक वगैरह है, थोड़ा सा युद्ध जैसा लग रहा है ना, युद्ध जैसा है। अब यहां पे देखें आप समझे रुक्मणी हरण नहीं है, क्यों नहीं है बताओ रुक्मणी हरण, चलो हरण तो है पर रुक्मणी हरण नहीं है, क्यों नहीं है जरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ रुक्मणी हरण क्यों नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। वेरी नाइस ज्योति तंवर, नहीं हरण में तो वेडिंग सीन कहां से हो, वो तो हरण के हो सकता है बाहर का दिखाया हुआ हो, बस वो रथ में हरण करके ले जा रहे हैं। चलो ये भी बड़ा अच्छा पकड़ा इसने कि मोरपंख नहीं है, बच्चे ने अच्छा जवाब दिया है, किसने दिया है जरा मैं देखूं एक बार, गायत्री नहीं, गैलेक्सी A50,
मोना, मोना ने रिप्लाई किया है मैम इस पे मोरपंग नहीं, वेरी नाइस मे, ठीक है। मेन एक कलर आप देख रहे हैं बॉडी का कलर ब्लू नहीं है, है ना, बाकी सब चीजें तो देख ली, वेरी गुड, लेकिन इसमें बॉडी का कलर नहीं है, तो इसमें ये क्या है फिर, ये अर्जुन हरण करके ले जा रहे हैं, ये देखें आप, ये बड़ी बारीकियां हैं, इतना अगर डीपली क्वेश्चंस मैं कहूं, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी हमारा फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी का कहीं मेन वो नहीं है सब्जेक्ट, बट अगर जो बच्चे एम्ब्रॉयडरी के से रिलेट करते हैं, उनके संबंध रखते हैं, उनसे तो डेप्थ में पूछे जा सकते हैं ना क्वेश्चंस, कि दोनों में आपको ये चित्र, अब आजकल ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो कलरफुल वगैरह सारा देना बड़ा आसान हो जाता है, उसको देख के आप बताएं। दिल्ली में मैंने बताया क्राफ्ट म्यूजियम, आप लोग जरूर जाके देख कर आए जब अभी के बाद में, है ना, जब चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जब भी साल 6 महीना 4 महीना या जब भी लगे समय उसके बाद। अच्छा आप शायद पिक्सी देखना चाह रहे होंगे, क्या आप थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं, हम थोड़ा टाइम है अभी, 5-6 मिनट है। चलिए फ्यू क्वेश्चंस बताइए अब। क्वेश्चन आप ये बताइए, चम्मा रुमाल के लिए कौन सा कपड़ा यूज करेंगे, चंबा रुमाल के लिए, हाँ खद्दड़ के अलावा मलमल, वेरी नाइस, मलमल एंड खद्दड़ एंड स्पन, ठीक है, एंड स्पन मलमल एंड खद्दड़। प्रेजेंट डे के स्टेटस में मैं आज बात करूं आपसे, अनब्लीच्ड, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, ठीक है। अच्छा इसके लिए जो आउटलाइंस हैं उसको किससे ट्रेस किया जाता था, जो डिजाइन है उसको ट्रेस किससे किया जाता था, वेरी नाइस रेखा यादव, चारकोल से, गुड। अच्छा अब आप ये बताएं कि जो डिजाइन हैं वो मेनली किस एम्ब्रॉयडरी से बनाई जाती थी, कौन से स्टिच से बनाई जाती थी, वेरी नाइस, सैटिन, डबल सैटिन, ठीक है, यस वेरी नाइस। आउटलाइन जो है वो किस स्टिच से की जाती थी, आउटलाइन कौन से कलर से, वेरी नाइस, स्टेम स्टिच, समटाइम्स डबल रनिंग स्टिच, वेरी नाइस गायत्री, ब्लैक, ठीक है, गायत्री के आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं, गायत्री आई थिंक आप एम्ब्रॉयडरी से ही हो ना, एसओटी से हैं आप ना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अच्छा और अब आप हमें बताएं कि मान लीजिए आपको कोई डिजाइन बनाना है, कुछ फिगर बनाना है, ठीक है, उसमें मान लीजिए गोपियां दिखानी है आपको, तो गोपियों की जो बॉडी का कलर है वो किस, कौन से कलर से धागा यूज करोगे उसके लिए, नो ब्लू नहीं यूज करेंगे, पिंक, यस यस पिंक, ग्रीन, येलो, क्रिम्सन, बिल्कुल सही आंसर्स हैं, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा कुछ एक थीम्स के नाम बता दो जरा फटाफट से, सब अटेंटिव रह के आंसर करें भाई, कुछ थीम्स जो छंबारू मान से रिलेटेड है, राजमंडला, वेरी नाइस, कालिया दमन, वेरी नाइस, समुद्र मंथन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, रुक्मणी हरण, यस, राग रागिनी, वेरी नाइस, सविता यादव रावत, सॉरी, वेरी नाइस। अच्छा आप मुझे बताएं शुरू शुरू में जो मैंने आप बात की थी इतिहास में, एक स्टोरी क्या है, किसने किसको गिफ्ट देने के लिए बनाया था, किसने किसको गिफ्ट देने के लिए बनाया था, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूं, हाँ गुरु नानक की सिस्टर्स ने, वेरी नाइस, गुरु नानक साहब की सिस्टर ने, ठीक है। अच्छा आप बताएं कि अगर किसी को याद है, ब्रिटिश म्यूजियम में भी है ना ये, है ना, कौन से शताब्दी में दिया था गिफ्ट, वेरी नाइस, गैलेक्सी A15, राजा गोपाल ने दिया था, गायत्री याद, वेरी नाइस बेटा, 1883 राजा गोपाल ने गिफ्ट किया था, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो सभी लोगों ने
बहुत ही अटेंटिव रह के आप समझ रहे हो ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया. कल हम डिस्कस करेंगे आपसे कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी के बारे में, कश्मीर की जो कशीदाकारी है उसके बारे में बात करेंगे, और कशीदाकारी के बाद में हम आज ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने कम लेकर आए हैं, उतने क्वेश्चंस टाइम की वजह से मैंने पूछे भी नहीं और लिखे हुए भी नहीं थे. तो कशीदाकारी से रिलेटेड हम कुछ मल्टीपल चॉइस की बात भी करेंगे, और उसके बाद में हम थोड़ा सा इंट्रो जो है कल वो आपका जरदोजी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो उसके बाद वेबिनार होगा हमारा वो हम जरदोजी के बारे में डिस्कस करेंगे. एम्ब्रॉयडरी में क्योंकि जो मेन मेन एम्ब्रॉयडरीज है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो मैं नाम तो मेंशन नहीं है पर जो मुख्य मुख्य देखी वो मैंने डिस्कस की हैं. आप अभी क्या चैट में मुझे बताएं कि एम्ब्रॉयडरी की कुछ और आप चाहते हैं जानना, क्योंकि अभी हमारी मणिपुर की भी हम ले सकते हैं उसमें, है ना. तो रेखा यादव लिखती है वेरी नाइस, थैंक यू बेटा, थैंक यू. तो आप लिख दें, मुझे मेल कर दें, मेल मैंने सबको आपको बताया हुआ है sonu.ghia@gmail.com. तो मैं कुछ और एम्ब्रॉयडरीज जो हमारे देश की हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी दो वेबिनार्स के बाद में हम फिर वुमन टेक्सटाइल ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टे सेफ, टेक केयर. किसी और को कुछ कहना है, अभी एक दो मिनट हैं, आप कह सकते हैं. अच्छा, वापस से चलिए, वैसे शुरू की स्लाइड्स में फैंसी नेट एंड एप्लीक अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हम हमारा जो चल रहा है डिस्कशन वो एक अलग है, उसमें मैं जरूर बताऊंगी आपको. sonu.ghia@gmail.com मेरी फर्स्ट स्लाइड में लिखा होता है, तो आप जो भी स्लाइड देखें बच्चों, है ना, बड़े ध्यान से देखें एक्चुअली, क्योंकि लिखा सब में ही होता है. मतलब फर्स्ट में जो है ना वो डिटेल्स दी हुई थी, कॉरेस्पॉन्डेंस आपको कैसे करना है वो लिखा होता है. तो आप एक एक स्लाइड्स ध्यान से देखें, मैंने दोबारा से लिख दिया है सभी के लिए. रौनक सर जी, मैडम तो अभी लिख दें. अच्छा, सबको समझ में आ गया है, थैंक यू मैम. ओके, देखिए मैं हमारा अपना जो फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी एनएसटीआई जयपुर की अगर हम बात करें, हमारा सिलेबस एक्चुअली कंप्लीट कोर्स हो चुका है मैक्सिमम, तो हम लोगों के बच्चों को भी रिविजन ही सॉर्ट ऑफ है. आप फिर भी कुछ पूछना चाहेंगे जो फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में और आपके एक्चुअली में कॉमन हो तो आप उसमें लिख दें, सिलेबस सबके पास है. तो सबसे पहले मैं फैशन डिजाइन का कवर करके उसके बाद अगर हमारे पास समय बचता है एग्जाम से पहले तो मैं आपके जो टॉपिक्स हैं वो मैं फिर आपको लेना स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है, अभी जाने का समय हो गया है. गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, बाय. थैंक यू मैम, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग.